BeCl2 का स्ट्रक्चर पूछा है वेपर फेज में और सॉलिड फेज में, तो देखते हैं। पहले तो BeCl2 का स्ट्रक्चर हम वेपर फेज में बनाते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। Cl 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आप ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो एक बॉन्ड ऐसे बना लेगा इसके साथ। ओके, तो ये बस बन गया स्ट्रक्चर इसका। बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो पाता, वेपर फेज में ये होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो ये क्या होता है, बेरिलियम की कोशिश होती है मुझे और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि उसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा हो बेचारे का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना वो, तो इसलिए वो क्या करता है फिर डाइमर बनाने की कोशिश करता है। देखो, दो दो BeCl2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, देखो BeCl Cl BeCl Cl, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 4, एक छह है ना इसके पास, और एक लोन पर इसको डोनेट कर देगा बेरिलियम को, क्योंकि उसके पास नहीं है ना, दे रहा है उसको ले। ऐसे ही क्लोरीन के पास यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, 1 2 3 4, जो 5 6 वाले हैं वो इसको ही डोनेट कर देगा। डाइमर बन गया। ओके, डाइमर। तो वेपर फेज में, इन वेपर फेज BeCl2 टेंड टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। क्लोरीन ने ब्रिज बना रखा है ना, तो क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर बनता है विच डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर करोगे तो ये टूट जाएगा ब्रिज, अकेला रह जाएगा मोनोमर। ओके, स्ट्रक्चर चल गई पता। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस तरह से चेन स्ट्रक्चर है इसकी। देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 और चाहिए थे ना इसको। देखो, इसको कितने, बेरिलियम को कितने और चाहिए, 4 और चाहिए ना। तो 2 क्लोरीन जब इसको देंगे डोनेट करेंगे तब इसका घर पूरा होगा जाके। तो वैसे ही करता है ये, देखो सॉलिड स्टेट में ऐसे ही करता है। यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो BeCl Cl BeCl Cl BeCl Cl, क्लोरीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मैं एक ही दिखा रहा हूँ। ऐसे डोनेट कर देगा ना इसको, ऐसे ये भी कर देगा डोनेट और ये भी कर देगा डोनेट, ऐसे इसको ये भी कर देगा डोनेट और ये भी कर देगा, ये भी कर देगा डोनेट और ये भी कर देगा, इस तरह से बन जाएगा ना ये, यहाँ दिखाया चेन बन जाएगी पूरी। ठीक है,